नमस्कार, मैं हूं अंकित यादव और आपका अमृत विचार में स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में, जहां हजारों की संख्या में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उनका चौथा दिन है, हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ हजारों की संख्या में जो CHOs हैं वो अपनी मांगों को लेकर मार्च निकाल रहे हैं। प्रदेश भर से यहाँ पर हजारों की संख्या में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आए हैं। इनकी मांग है कि इनको नियमितीकरण किया जाए, इनको जो PBI है उसको मर्ज किया जाए वेतन में, ट्रांसफ़र नीति लाई जाए। इसके अलावा तमाम इनकी मांगे हैं जिसको लेकर ये लगातार धरना देने पर मजबूर हैं। हम कुछ CHO से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर उनकी मांगों को लेकर NHM की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। हमारा नाम आशुतोष है, मैं CHO हूँ। हम यहाँ इको गार्डन में अपनी कुछ मांगों को लेकर आए हैं और अभी तक तो हमारी कोई मांग सुनी नहीं गई है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, 10,000 से ज़्यादा CHO अभी भी मौजूद हैं। हमारी प्रमुख मांग है नियमितीकरण। हमें और किसी AMS वगैरह सा कोई विरोध नहीं है, और लगाओ तो आप सभी का लगाइए, सभी सरकारी कर्मचारियों का या NHM कर्मचारियों का। अभी हम आपको एक कविता सुनाने वाले हैं CHO के लिए, जो मैंने लिखी है। मुझको मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए, मुझको मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए, CHO के शोषण को बंद कीजिए। मुझको मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए, CHO के शोषण को बंद कीजिए। गाइडलाइन ये थी 6 साल बाद की, आपकी करेंगे परमानेंट नौकरी, आप तो वादे को अपना पूरा कीजिए, CHO के शोषण को अब बंद कीजिए, मुझको मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। PBI में भ्रष्टाचार सब जानते हैं, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते हैं, PBI को वेतन में मर्ज कीजिए, CHO के शोषण को बंद कीजिए। जिनकी ड्यूटी दूर गांवों में लगी है, उन महिलाओं का भी ख्याल कीजिए, महिला सुरक्षा का भी ध्यान दीजिए, CHO के शोषण को बंद कीजिए, मुझको मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। CHO नियमितीकरण किया जाए अतिशीघ्र, जैसा कि आपने अपनी गाइडलाइन में लिखा था। 6 साल बाद हम नियमितीकरण के रास्ते खोलेंगे। आपसे निवेदन है, कृपया हमारी मांग को सुना जाए, धन्यवाद। मैं शिवकांत शर्मा, प्रदेश प्रभारी। ये हमारे यहाँ CHO की एक अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, उसके लिए हमारे एक एसोसिएशन है, कम्युनिटी है एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, उसकी तरफ से एक 21 से 28 तक हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन कार्य बंद चल रहा था। उसके लिए 28 तारीख को हमने धरना प्रदर्शन यहाँ MD NHM के यहाँ रखा हुआ था। 28 तारीख को MD मैडम से हमारी वार्ता हुई थी, लेकिन वार्ता में हमें आश्वासन मिला, उसके उपलक्ष्य में हमारी जो हड़ताल है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। हम जो CHOs हैं उनकी जो प्रमुख जो मांगें हैं वो 3 मांगें हैं। सबसे पहले जो मांगें हैं हमारी नियमितकरण की, कि हमारी भारत सरकार ने जब हम लोगों को यहाँ पोस्टेड किया था एज ए CHO, तो एक 6 ईयर के बाद हमें परमानेंट करने की उन्होंने गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन उसके बाद भी 6 साल कंप्लीट होने के बाद भी हम लोगों को अभी न परमानेंट किया जा रहा है, न हम बस आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर किया है। दूसरी हमारी मांग है कि एक उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की एक रिजवी कमेटी ने एक वो दिया था कि जब तक ये परमानेंट नहीं होते आदमियों को समान कार्य समान वेतन दिया जाए, लेकिन ये जो तानाशाही सरकार और ये MD NHM जो तानाशाही हैं उनकी तरफ से हमें बस आश्वासन मिलता है और शोषण किया जाता है, उसके बाद हमें कुछ भी हमारी मांगों पर गौर नहीं किया जाता है। तो जब हमारी मांगों पर गौर नहीं किया जाता तो हमारे CHO के अंदर काफ़ी रोष व्याप्त है, और उसी के रोष के लिए आज हम अपने भविष्य के लिए अपने सम्मान के लिए मैदान में आए हैं, और जब तक हम अपने मैदान में रहेंगे जब तक कि हमारी मांगें पूर्ण नहीं हो जाती हैं। नहीं, अभी तक हमसे कोई अधिकारी मिलने नहीं आया है, लेकिन हम लोग MD मैडम से 28 तारीख को मिलने गए थे ऑफिस में। उन्होंने हमारे डेलीगेशन को बुला के बात किया था, कुछ सकारात्मक चीज़ें थी, लेकिन मतलब लिखित में कोई हमें नहीं था आश्वासन ही उन्होंने दिया जिसपे हम सहमत नहीं थे। हमें अब की बार, क्योंकि वार्ता तो पहले भी कई बार कर चुके हैं, धरना करना इतना आसान नहीं है, अगर हमें मैम लिखित में कुछ देती हैं तो जो हमारा मेन मुद्दा है वो है हमारा नियमितीकरण। जब भी हम जॉब को एक्सेप्ट करते हैं
तो एक गाइडलाइन जारी होती है कार्य प्रति, जिसका आप दिखा सकती हूँ मैं आपको, ये वो पत्र है गाइडलाइन का। तो हमने इसको पढ़ के उसके उपरांत ही हमने जॉब ज्वाइन की थी। इसमें साफ साफ लिखा है कि हमको 6 साल बाद जब हम HWC पे सर्विस डिलीवरी दे देंगे अपनी, तो हमको मर्ज कर लिया जाएगा एज अ रेगुलर। ठीक है, तो हमने 21 तारीख से 27 तारीख तक ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार करके मैम को ये आगाह किया था कि अगर हमारी मांगे नहीं होंगी तो हम धरना करेंगे, और 28 तारीख को हम उनसे मिलने भी आए थे। हम आपके चैनल के माध्यम से मैम को ये बताना चाहते हैं, सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम अलग से कुछ नहीं मांग रहे हैं, जो उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था वो हमें दे दें, अपना वादा पूर्ण कर दें। देखिए, ये चुनौती तो हमारी सर्विस से जुड़ी है। जब हमने रूरल एरिया में सर्विस चुनी थी तो इससे भी कहीं ज़्यादा हमारे पास चुनौतियाँ हैं। अगर हम बात करने को चलें, हमारी महिला सुरक्षा को लेके भी हो सकती है, हम दूर दराज इतने ऐसे से गांवों में हैं जहां आने जाने की भी सुविधाएं नहीं है, हमें जिन सेंटरों पे बिठाया गया वहां बिजली का मुद्दा, लेकिन वो अलग बात है, वो हमने चुनौती स्वीकार की थी। हम कह रहे हैं सरकार से हमने वो चुनौती स्वीकार की थी, और हमने कोरोना वॉरियर्स भी, अगर वो ये लोग कहते हैं कि उसमें गाइडलाइन में ये नहीं लिखा, गाइडलाइन में वो नहीं लिखा, तो गाइडलाइन में तो बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखाई, हमें कोरोना वॉरियर्स नहीं बनाना, हमें आयुष्मान कार्ड नहीं बनाना, हमें MS पर अटेंडेंस नहीं लगानी, लेकिन हम भी वो चीज़ें कर रहे हैं ना, क्योंकि हम चाहते हैं जनमानस को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलें। तो हम उन चुनौतियों को स्वीकार कर रहे हैं, तो ये चुनौतियां तो उनके सामने हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो बस हम इतना चाहते हैं, हम तन मन से जो आपने हमें सर्विस पे जिस पे उतारा है हम उसको संपूर्ण कर रहे हैं, तो आप हमें जो आपने वादा किया था वो हमें दें। जब तक हमारी मांग हमें लिखित में पूर्ण पूरी तरीके से मिल नहीं जाती, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जब तक हमारी जो मांग है वो पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक हम ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और जो MD महोदया ने हमारी मांगों को नहीं मानना है अभी, तो हम कोशिश करेंगे वो हमारी बातें माने, क्योंकि हमारी जो भी मांगे हैं वो सब जायज़ मांगे हैं। हम अपना हक मांगने आए हैं, ना ही कोई और चीज़ मांगने आए हैं उनसे। नियमितकरण हमारा हक है, ये हमें चाहिए, और जब तक नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे ये 10 दिन चले, 20 दिन चले या महीना चले, हम यहाँ पे इसी प्रकार बैठे रहेंगे। हमारे पास समस्याओं का तो बहुत अपार, आप सुनाने जाएंगे तो बहुत सारी समस्याएं हैं। जिस प्रकार यहाँ पे फीमेल्स आती हैं वो अपने बच्चों को लेके, छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ पे उपस्थित हैं, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो अभी प्रेगनेंसी में है, गर्भधारण किया हुआ है, वो भी यहाँ पर आई हैं जो अपने हक के लिए, और हमको यहाँ पर ना तो उस तरह की कोई सुविधाएं ऐसी है नहीं है, पर फिर भी हम अपनी मांगों के लिए यहाँ लड़ने आए हैं। जी, हमारे जो अध्यक्ष लोग हैं, हमारे जो 9 लोग हैं जिनका वो गए थे, हमारी NDNHM से बात हुई थी जो भी 28 तारीख से शुरू हुआ है, उसके बाद हम लोग अपनी कुछ जायज़ मांगों के लिए यहाँ पर हैं। जब तक कि हम यहाँ पर हैं, जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी और हम अपना शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारी तो सबसे पहली जो जायज़ मांग है नियमितीकरण की, क्योंकि यहाँ पर हम लोग दूर दूर से, जैसे मैं लखनऊ से हूँ, मैं लखनऊ में रह के फतेहपुर में जाती हूँ, वहाँ जॉब कर रही हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारी हम लोग को प्रॉब्लम भी होती हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर हमारा CHO कैडर हम लोग नियमितीकरण हो जाए तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। समस्या तो है, कभी धूप हो रही है, कभी बारिश हो रही है, लेकिन हम लोगों ने अब दिन निश्चय कर लिया है कि जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। देखिए, हमारी तो कोई इस तरीके के विशेष रणनीति नहीं है, बस गवर्नमेंट को, सरकार से हमारी इतनी अपील है, जो हजारों की संख्या में रोज़ CHO इको गार्डन पार्क में एकत्रित हो रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने 14 तारीख से ऑनलाइन स्ट्राइक किया था, कार्य का बहिष्कार करते हुए 28 तारीख से इको गार्डन पार्क लखनऊ में सारे उत्तर प्रदेश के CHO इकट्ठा होकर के धरना दे रहे हैं। उनकी बस एक प्रमुख मांग है नियमितीकरण का, और जो नियमितीकरण का मांग है वो अन्यथा नहीं है, क्योंकि जो हमारे आयुष्मान भारत की गाइडलाइन है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 6 साल कंप्लीट करने के बाद, 6 साल सेवा देने के बाद CHO को रेगुलर पोस्ट कर दिया जाएगा। तो हम गवर्नमेंट को उनके दिए हुए गाइडलाइन को याद दिलाना चाहते हैं कि वो रेगुलराइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको लागू करें, और जिन CHOs को 6 साल पूरे हो चुके हैं उनको नियमित करें, क्योंकि हम जो कंट्रेक्चुअल वर्क कर रहे हैं, हमारी एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये भी है
कि दूसरे राज्यों में सीएचओ की जो सैलरी है वो 25,000 से है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सीएचओ की जो सैलरी है वो 20,500, मतलब इतना अंतर, इतना विभेदीकरण। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप हमसे काम लीजिए, जो हमारा काम है, जो हमारा सेवा है, हम करेंगे, हम करने के लिए हर हाल में तैयार हैं, कहीं से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन उनसे एक सवाल ये भी है कि क्या हमारा 20,500 में परिवार चल पाएगा, हमारा घर चल पाएगा? कितने सीएचओ 500,000 किलोमीटर दूर अपने क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ कहीं आने जाने की सुविधा नहीं है, वहाँ जाकर के वो ड्यूटी कर रहे हैं। ज़्यादातर इस क्षेत्र में महिलाएं हैं। स्वास्थ्य विभाग में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर महिलाएं हैं जो ड्यूटी कर रही है अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर या घर से दूर रह करके। तो सरकार को थोड़ा, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारे भी कुछ अपने अधिकार हैं, तो उनको, इन अधिकारों को देखते हुए कुछ सुविधा तो हमें भी देना चाहिए ना, तभी तो हम आगे चल करके जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको सेवाएं दे पाएंगे। तो नियमितीकरण ही हमारी विशेष मांग है। आप देख रहे हैं कि 4 दिन से 28 तारीख से लेकर आज 31 तारीख को हमारे यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा, कोई आला कमान, कोई अधिकारी, कोई राजनीतिक नेता यहाँ पर नहीं आया। बारिश हो रही है, धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, कोई बीमार पड़ रहा। आज ही हमारी एक महिला साथी इतना ज़्यादा बीमार हो गई कि सीरियस कंडीशन में उसको हॉस्पिटल एडमिट किया गया। तो क्या यहीं लखनऊ में NHM ऑफिस में बैठी हुई हमारी MD मैम को हमारी आवाज़ें, हमारी पुकार, हमारी मांगें सुनाई नहीं दे रही है? तो गवर्नमेंट से, हमारे योगी आदित्यनाथ जी से, PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक करबद्ध याचना है कि ये आयुष्मान भारत योजना उनकी सबसे बड़ी योजना है और उस योजना के हम कार्यकर्ता हैं, तो हमारी मांगों को कृपया सुने, ध्यान दें और उसको लागू करें।